आपने अभी सुना सबों को, तो मैं तो शब्द भी नहीं होते मेरे पास और कुछ ज़्यादा कल्पना भी नहीं होती, पर यादों की बात जब हो रही है तो मैं यादों की बातों से ही शुरू करता हूँ। मैं यादों की बात से शुरू करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बैठे हैं चेहरे, मैं हम हमेशा उनकी बातें करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, नेहरू सुभाष चंद्र बोस उनकी उनकी सबकी बातें करते हैं। आज यहाँ बैठे चेहरे भी मेरे से कुछ की बात करते हैं। ये मेरे साथ बराबर में ये कैमरा मैन जो देख रहे हो ना, ये प्रशांत है। आज से 1.5 साल पहले ये MSc कर रहा था मैथमेटिक्स से। किससे कर रहा था? गणित का पता है ना, गणित और गणित का 23 दिसंबर का बड़ा आपस में संबंध है। क्या संबंध है मालूम है? यादव में है ना, कल जो है रामनाथ जी का जन्मदिन है ना, जो यहाँ के भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, है ना? ये गणितज्ञ रामानुज जी, सवाल पूछो यार, डर क्यों रहे हो? ये कोई क्लास सवाल नहीं पूछोगे तो। ये मैथमेटिक्स से MSc कर रहा था, पर इसको तो मेरे को मेरे दिमाग में था ये उसके बाद डॉक्टरेट करेगा, PhD करेगा, किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो जाएगा। और पर ये थिएटर में चला गया, ये थिएटर करता है, अब ये कैमरा भी चला रहा है ना। तो मेरा ये बच्चों ये कहना है ना, यहाँ पे जितने बड़े दिखते हैं ना, उनके कोट को पकड़ के खींचना और पूछना, यार तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं प्रेम पंचोली हूँ। अच्छा, प्रेम पंचोली कैसे बने? इनकी अपनी सबकी कहानियाँ हैं, उन कहानियों को जानने की कोशिश करो, उन्हें वो जीवंत कहानियाँ हैं। एक ऐसे एक लड़का पीछे बैठा हुआ है, उसका नाम जय शर्मा है ना, वो जो है उसने इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग करके इनकी माताजी ने पिताजी ने बहुत बड़े सपने बुने। सपने कैसे? सपने बुने कि मेरा लड़का अब विदेश जाएगा, विदेश जाके वहाँ काम करेगा और जब लौट के आएगा तो डॉलर लाएगा, मेरे लिए सोना लाएगा, चांदी लाएगा। इन्हें और इसने सारे के सारे जो है ना उनकी भावनाओं पे कुठाराघात कर दिया। क्या कि मैं तो समाज से भी बनूंगा। क्या बनूंगा? किसी NGO में काम करूंगा, मैं किसी ऐसी नौकरी वोकरी नहीं करूंगा जिसमें डॉलर आएंगे, मैं तो उस काम को करूंगा जिसमें घर से डॉलर जाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ये ऐसे है। एक यहाँ पे ये ग्रीस भाई यहाँ पे बैठे हैं, तो है ना, तो हम ये बहुत छोटे हैं हमारे से, लेकिन हम इन्हें मामू कहते हैं, जिनको अभी सुन रहे थे ना, ग्रीस सुंदरयाल जी, बहुत बड़े। तो इन्होंने जब आंदोलन हुआ था, आंदोलन के बारे में सुना था जिसमें उत्तराखंड आंदोलन है ना, इनके गीत, ये हमसे बहुत छोटे हैं और पर इनके गीत हम गाया करते थे, है ना, ये छोटे होने के बाद। तो कैसे ग्रीसु मामू कहते थे हम इनको, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं दसवाना जी, उनके मामा लगते थे तो हम सब मामू बोलते थे। तो ग्रीसु से कैसे श्री ग्रीस सुंदरयाल जी बन गए, ये कहानी है। तो पकड़ लो इनको भी, सुनाओ यार तुम्हारी कैसी कहानी है, ये जानने की कोशिश करो। अपने आसपास जो है इतनी कहानियाँ बिखरी हैं, इतना ज्ञान बिखरा है, और इन्हीं सब चीज़ों से मेरे को सीखने को मिला। जैसे एक चीज़ है चिमटे की कहानी, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया उसने चिमटे की कहानी में, कि उसकी माता जी का जो है हाथ जल जाया करते थे जब रोटी बना रही थी, लेकिन जब मेले में गया तो उसे ललचाने के लिए बहुत चीज़ें थी, गोलगप्पे भी थे, है ना। एक जगह एक ठेली वाला के पास अंगीठी जल रही थी, उस पर तवा था, वो आलू की ऐसे करके क्या बना रहा था, और उसने तेल में डाली ऐसे, छस वो लाल हो गई, फिर उसने ऐसे निकाला, फिर टिक्की निकाली उसने फाड़ी, फिर उस पर नमक डाला, फिर मिर्च डाली, है ना, फिर चटनी डाली और फिर है ना ऐसे ही ना। तो उसको ये सब चीज़ें रचाने के लिए थी, पर उसकी याद में क्या बसा था? उसकी याद में बसा था कि उसकी माँ जब उसके लिए रोटियाँ बनाती है, उसके पिताजी के लिए रोटियाँ बनाती हैं, तो उसकी अक्सर उंगलियाँ जाती है, उसकी याद में ये था। और उन यादों को जोड़ते हुए उसने वहाँ से क्या खरीदा? चिमटा। तो मेरा यही कहना है कि अगर मन में भाव है, किसी शायर ने कहा भी है ना कि मन में ऐसा भाव एहसास पैदा कर कि तेरी कलम में वो शब्दों में परिवर्तित हो, है ना। जो आपकी कलम है, आपका पेन है, वो शब्द कब लिखेंगे? जब आपके भाव होगा।